को सुप्रीम राहत की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लगभग 1 लाख से ज्यादा सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों का टीटी रिजल्ट पहले आया और बीएड या बीटीसी का रिजल्ट बाद में आया, उनका टीटी प्रमाण पत्र वैध नहीं माना जाएगा। हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अब पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 2011 और उसके बाद यूपी में हुए सभी टीटी परीक्षाओं और नियुक्तियों पर लागू किया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद से लगभग 1 लाख से ज्यादा सहायक शिक्षकों की नौकरी जाने की आशंका थी, लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। हाई कोर्ट के इस निर्णय से सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे और 2012 से 2018 के बीच नियुक्त 1 लाख से अधिक उन शिक्षकों को राहत मिली है जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद से प्रभावित हो रहे थे। तो ये बड़ी राहत मिली है शिक्षकों को, जिस तरह से हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसके बाद तमाम यहाँ पर सवाल थे, लेकिन वो सवाल अब सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है, जिसके बाद ये तमाम 50,000 से ज़्यादा जो टीटी शिक्षक थे उनकी नियुक्ति अब वैध मानी जाएगी। आपको बता दें 1 लाख शिक्षकों को अब इस फैसले के बाद बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इनकी नियुक्ति को गलत बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को अब पलट दिया है। प्रशिक्षण के बाद टीटी को उन्होंने गलत बताया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला हाई कोर्ट का बदल दिया है। तो शिक्षकों को सुप्रीम राहत मिली है, आज उनके लिए बड़ा दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया है। प्रशिक्षण के बाद टीटी को जिस तरह से हाई कोर्ट ने गलत बताया था, अब यहां पर उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। बढ़ते आगे, इंदौर के हरित पट्टी की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई इमारतों को ध्वस्त करने की मुहिम के तहत इंदौर नगर निगम ने 4 मंजिला हॉस्टल को विस्फोट से जमींदोज कर दिया, और ये कैसे किया गया उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईएमसी के आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि कल्प कामधेनु नगर के हॉस्टल को खाली कराया गया और विस्फोटक लगाकर उसे ढहा दिया गया। विस्फोटक इतने शक्तिशाली थे कि धमाके के बाद 1 मिनट से भी कम समय में ये 4 मंजिला इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। तो इंदौर की तस्वीरें हैं किस तरह से यहाँ पर हॉस्टल ढहाया गया है विस्फोटक लगाकर, किस तरह से सेकेंडों में ये बहु मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, इसकी तस्वीर हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर बिल्डिंग को विस्फोटक के जरिए यहाँ पर ढाया गया है उसकी तस्वीरें इंदौर से हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको इंदौर की दिखा रहे हैं। इधर मुंबई की भी बात करेंगे।